हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैंने अप विद रितु। तो आज मैं करने वाली हूँ न्यू नाइका लिक्विड लिपस्टिक, जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसी का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने इसमें जो शेड लिए हैं वो मैंने 3 शेड लिए हैं और इसमें टोटल आपको 10 शेड मिलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है शेड्स की, तो जो मुझे ठीक ठीक लगे वो मैंने अंदाजे से ले लिए। तो 3 इसमें शेड हैं और मैंने जो इसका जो प्राइस है वो प्राइस है इसका 350 रुपीज़, जो कि रिजनेबल प्राइस है। मतलब जो नाइका की लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, वो अराउंड 600 के आसपास है। तो ये वाला प्राइस इन्होंने थोड़ा सा ठीक रखा है कि हर कोई इसको ले सके। दूसरा, ये इसी तरीके की पैकेजिंग में आता है, कोई कार्डबोर्ड या ऐसा कुछ नहीं आता इसके अंदर। और इसमें आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है अराउंड 3 ml के आसपास ही मिलती होगी। 2.1 ml इसकी क्वांटिटी है और इसके नीचे आपको इसका शेड्स नेम मतलब लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको टोटल क्वांटिटी मिलती है 2.1 ml और इसके नीचे आपको शेड मिल जाएगा। ये क्लियर बॉटल में आता है, मतलब जैसे NYB की लिपस्टिक आती है बिल्कुल उसी टाइप की पैकेजिंग है इसकी, सिंपल। और इसी तरीके का इसका सिंपल इसका एप्लीकेटर है। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि एप्लीकेशन में कैसा है और क्या फॉर्मूला है इसी पे, मतलब इस सब के बारे में मैं बात करूँगी। उससे पहले, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और दूसरा मैं बता देती हूँ, जैसा कि मैं मोस्टली लिपस्टिक के जो स्वेशर होते हैं वो मैं डे लाइट में ही करती हूँ, तो ये भी मैं डे लाइट में ही शूट कर रही हूँ ताकि ओरिजिनल कलर आप सभी को पता चले। क्योंकि जो लाइट्स यूज़ होती है ना, उसमें ना शेड्स बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए डे लाइट में ही मतलब ट्राई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं ये कैसा है। मैं जो सबसे पहला शेड यूज़ कर रही हूँ वो है डार्लिंग डॉटर, ये न्यूड पिंक कलर है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जैसे कि NYB की लिक्विड लिपस्टिक जो पहली वाली है उसका बहुत लाइट वेट फार्मूला है और वाटरी वाला फार्मूला है। इसका वाटरी वाला फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा थिक है। दूसरा, कंफर्टेबल है ये लिप्स के ऊपर और पिगमेंटेशन इसका काफ़ी अच्छा है। वन स्वाइप में ही आपको प्रॉपर कलर आ जाएगा, वन स्वाइप में ही, आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वन टाइम ही आपको लेना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला मुझे कंफर्टेबल लगा, बटरी फार्मूला है, मतलब कंफर्टेबल रहेगा आपके लिप्स के ऊपर। और स्टेइंग पावर की बात करूँ तो ये 7 to 8 hours ईजीली आपके लिप्स के ऊपर स्टे करेगी। और स्मज प्रूफ है, किस प्रूफ है, मतलब टोटली ये मैट लिपस्टिक है बिल्कुल, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल किस प्रूफ है। तो फार्मूला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कंफर्टेबल फार्मूला लगा। आपके लिप्स को बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं करेगा और जिसके ड्राई लिप्स हैं वो भी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा ड्राइंग फार्मूला नहीं बनाया गया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि जनरली लिपस्टिक जो लिक्विड लिपस्टिक होती है अब तो काफ़ी अच्छी आने लग गई है, लेकिन अब जो फार्मूला ये कंपनी निकाल रही है वो काफ़ी अच्छा फार्मूला निकाल रही है, ताकि मतलब लिपस्टिक मैट भी लगे, लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और दूसरा ये ड्राई बिल्कुल ना करे हमारे लिप्स को। नेक्स्ट शेड है जो कि है सुपर मॉम, ये न्यूड ब्राउन कलर है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लिपस्टिक एकदम क्विकली ड्राई नहीं होती, क्योंकि क्विकली अगर ड्राई हो तो लिपस्टिक थोड़ी सी ड्राई होती है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है ड्राई होने में, इसलिए ये आपके लिप्स के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। मतलब 30 सेकेंड इसको लगता है ड्राई होने में। नेक्स्ट शेड है जो कि है कूल कॉप, ये काफ़ी ब्राइट बोल्ड रेड कलर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो ओवरऑल अगर मैं इस लिपस्टिक के बारे में बताऊं तो लिपस्टिक काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप डार्क कलर भी यूज़ कर रहे हो तो भी ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी, आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करेगी और आपके लिप्स पे कोई भी क्रैक जैसे होता है, मतलब आते हैं अगर ड्राई अगर आपको लिपस्टिक लग रही है तो ऐसा कोई भी क्रैक नहीं है, देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो कंफर्टेबल फार्मूला लगा मुझे ओवरऑल और काफ़ी ये बहुत अच्छे से स्टे करेगी, मतलब 10 to 12 hours ये कहीं नहीं जाएगी। अगर आप कुछ भी खाते हो तो भी ये इजीली रिमूव नहीं होगी। तो पिगमेंटेशन बहुत अच्छा दिया है और स्टेइंग पावर भी इसकी काफ़ी अच्छी है और 350 प्राइस ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड, मतलब हर कोई ले सकता है, एटलीस्ट एक तो आप ट्राई कर ही सकते हो। तो प्राइस वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है, दूसरा ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मुझे लिपस्टिक काफ़ी पसंद आई। लेकिन अभी जो शेड्स इसमें दिए गए हैं वो थोड़े से कम है, मे बी हो सकता है ट्रायल के लिए इन्होंने निकाली हो कि लोगों को कैसे पसंद आता है, क्योंकि शेड इसमें 10 shades ही हैं, बहुत ज़्यादा शेड नहीं है। तो 10 shades में आपको जो समझ आया मुझे, और इसमें जो न्यू शेड मुझे लगे थे वो यही 2 shades हैं जो मुझे न्यूड लगे हैं, ये वाले। ये है हमारा सुपर मॉम और डार्लिंग डॉटर, ये न्यू शेड है, न्यूड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूड भी नहीं है। ये डस्की वालों पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, फेयर पे भी जाएगा और डस्की स्किन पे भी ये बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा हो ये रिव्यू और काफ़ी हेल्पफुल हो ये वीडियो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो के साथ, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।